ये एक हाईवे है, क्या हाईवे जी। देखा जी यहां पे एक भीषण हादसा हुआ जी, स्कूटी और ट्रक का। स्कूटी पे तीन बंदे बैठे हुए थे, आप रास्ते में निकल के जा रहे हो और इसी रास्ते से निकल के जा रहे हो तो आप तुरंत वहां पर खड़े हो जाइए, तो वहां पे 10 मिनट के अंदर या तो पीसीआर आ जाएगी, 112 नंबर गाड़ी आ जाएगी, और जब 112 नंबर गाड़ी आएगी तो उम्मीद करता हूं कि वहां पर उच्च अधिकारी यानी क्षेत्र अधिकारी जैसे हम सीओ साहब बोलते हैं जी, वो अवश्य मौके पहुंचेंगे जी। जब वो मौके पर पहुंचेंगे तो हम उनसे सीधा सवाल करेंगे कि सर ये भीषण हादसा हुआ है जी। इसमें दो व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मौत हुई है जी। क्या पूरा मामला है? फिर वो आपको अवगत कराएंगे, केस की जांच की जा रही है जी। तेज गति से ट्रक आ रहा था और ओवरटेक करने की कोशिश की, इस वजह से ये भीषण हादसा हुआ जी। समझ पा रहे जी? अच्छा अब आ जाइए तीसरी चीज पे। मानिए किसी थाने के अंदर एफआईआर नहीं लिखी जा रही है जी। तो वहां पे ये नहीं है कि केवल एक ही आदमी को उसको उठाया जाए, दो चार लोग जब जाते हैं थाने के लिए, आपको पता होगी कि एक आदमी थाने एफआईआर कराने के लिए नहीं जाता है जी। क्यों? कि खाकी का जो रुतबा है ना, इस खाकी को देख करके सब घबराते हैं, एक पत्रकार को छोड़ के जी। पत्रकार का चौथा स्तंभ है जी। चाहे आईपीसी है, चाहे आईपीएस ऑफिसर है जी। चाहे पुलिस वाला है, चाहे इंस्पेक्टर है, चाहे सब इंस्पेक्टर है जी। आपको थोड़ा सा वर्जन दूंगा मैं कि इंस्पेक्टर जो होता है थाने का वो कभी बाइट नहीं देगा, नहीं देगा जी। उससे जो उच्च अधिकारी है यानी क्षेत्र अधिकारी सीओ या एसपी सिटी या एसपी देहात या एसपी एसएसपी महोदय, ये आपको बाइट देंगे ठीक है। तो मानिए थाने के अंदर एफआईआर नहीं लिखी गई है जी। जब एफआईआर नहीं लिखी गई है तो आपने क्या करना है? वो बंदा आपके पास में शिकायत लेकर के आया तो आपसे कहेंगे कि भाई हमारी शिकायत नहीं लिखी पत्रकार महोदय, हम बड़े परेशान हैं और हमारे साथ में ये दुर्घटना हुई है, बताइए इसके बारे में क्या करना है जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताइए गुप्ता जी इसमें क्या करना है आपने? उनके साथ जाकर मतलब एफआईआर करवाई है। नहीं, तुम कोई दलाल हो जो उनके साथ में जाओगे, तुम्हारे क्या मतलब पड़े? आप तो चौथे स्तंभ के पत्रकार हो। आपने बोलना है उनसे कि आपके परिवार के कितने लोग हैं, कितने लोग यहां एफआईआर कराने के लिए आए, थाने के सामने उनको खड़ा कर लो और सीधा माइक ले लो और उनसे सवाल करो कि क्या नाम है आपका, आप कहां के रहने वाले हैं, आपके साथ में क्या परेशानी हुई, आप थाने आए थाने वालों ने क्या आश्वासन दिया। ठीक है, तो ये तरह